अब इन क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं फ्रैक्शन के, मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, सब टाइप के क्वेश्चन है। देखो दो फ्रैक्शन है, देखो ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है, देखो ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग, यानी दो फ्रैक्शन है। अगर ये बोले तो दो फ्रैक्शन है, क्या लिखा, सेवन होल वन अपॉन फोर प्लस फाइव होल ये। अब इस फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि ये फोर है ये अलेवन है, ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक साइड मल्टीप्लाई होगा कि एलसीएम होगा, तो क्या होगा कि ये अलेवन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ट्वेल्व वन अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन अलेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अलेवन अपॉन फोर्टी फोर हो जाएगा, इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाओ, सिक्सटीन अपॉन फोर जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर्टी फोर, आंसर कितना आ जाओ, ट्वेल्व होल ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर्टी फोर, आंसर क्या आ जाएगा इन पे, ट्वेल्व होल ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर्टी फोर, समझ गए करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो अलग टाइप का है, क्या लिखा है, सेवन होल वन अपॉन टू प्लस थ्री होल सिक्स अपॉन टेन, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये टेन है, ये टू है, तो क्या होगा, सिंगल मल्टीप्लाई, ये टेन हो जाएगा, ध्यान रखना क्या मैं कह रहा हूँ, ये टेन है ये टू है, तो टू में अगर फाइव को मल्टीप्लाई करते तो टेन हो जाएगा, टू फाइव या टेन, बस सिंगल मल्टीप्लाई से हो गया, क्या होगा, सिंगल टेन फाइव अपॉन टेन सिक्स अपॉन टेन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एलेवन अपॉन टेन, एलेवन टेन होल एलेवन अपॉन, ये सही है गलत है, क्यों गलत है कि ऊपर ज़्यादा हो गया नीचे, एक बार जब इसमें डिवाइड देंगे तो एक बार पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, टेन वन या टेन, तो यह एक बढ़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ये वन था, ये टू था, ये हमारा थ्री, थर्ड क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, देखो देखो ये सिक्स और एट है, दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इन दोनों का क्या होगा, हमारा एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे उसे काटो थ्री बार फोर बार, उसे काटो फिर टू से काटो फिर थ्री से काटो, कितना हो जाएगा, एट और ये थ्री, कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, चौबीस, तो सबसे पहले इसको सही कर लेना, ये फोर अपन कितना हो जाएगा, फाइव फोर अपॉन सिक्स और टू अपॉन एट, क्लियर, कितने का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फोर का, यहाँ थ्री का, फाइव प्लस ये कितना हो जाएगा, सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फोर और नाइन अपॉन फाइव प्लस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी फोर, सही है। अब क्या लिखेंगे हम, फाइव होल ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी फोर, आंसर सही है, क्यों गलत है, क्या गलती है इसमें, इस ये ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर कटेगा, कितने की, टू की टेबल से काटो, वन बार कितने, ट्वेल्व बार, आंसर कितना हो जाएगा, फाइव होल एलेवन अपॉन ट्वेल्व। अब बाकी आप होमवर्क और ये बचे हुए होमवर्क लिखो, घर से करके लाना, ठीक है, क्लियर, चलो लिख लो होमवर्क, ठीक है, हैं।